आज हम बनाएंगे लिक्विड डो से स्प्रिंग रोल शीट। ये रमज़ान में आपके बहुत काम आएंगे स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। और कितनी पतली बनी है, इसमें मेरा हाथ भी दिख रहा है, आसानी से फोल्ड हो जा रही है। जिस तरह से भी फोल्ड करो, मैंने इसे इतना मोड़ा है लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही है। तो बहुत ही सॉफ्ट सी और अच्छी सी शीट बनी है, तो इसको हम आज आपके साथ बनाते हैं। वेलकम टू फूड प्लेजर्स विद नीलोफर एंड सब्सक्राइब फॉर अमेजिंग रेसिपीज़। इसके लिए हम ले रहे हैं एक कप मैदा, एक कप कॉर्नफ्लावर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 कप मिल्क को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसे हमें मिक्स करना है। अच्छा, ये प्रोसेस हम चाहें तो ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, उससे भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसमें हमने एक कप मिल्क को डाल दिया है, लेकिन इसमें अभी और भी लिक्विड जाएगा, तो हम एक कप पानी भी ऐड कर रहे हैं। उसे भी थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करते जाएंगे। एक लम्प फ्री बैटर बनाना है हमें, तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि सारे लम्प जो हैं वो सटल हो जाए। और देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, तो एक पतला बैटर बनेगा। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें और पानी डालेंगे। तो मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो तकरीबन एक कप पानी पूरा लग गया था, मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया था। इसे हम मिक्स करने के बाद चेक करते हैं, बहुत ही अच्छा सा बैटर बन जाएगा आपका, जितना फेंटेंगे उतना अच्छा बनेगा। चेक कीजिए कंसिस्टेंसी, तो इस कदर पतला होना चाहिए। और चम्मच की उल्टी तरफ देखेंगे तो पतली सी लेयर बननी चाहिए, थिन लेयर, तो मुझे ठीक लग रहा है। इसे हम छोड़ दे के रेस्ट करने के लिए देंगे। अब एक छलनी की मदद से हम इसे छान लेंगे, इसे जो भी लम्स बच गए हैं वो निकल जाएंगे इसके। तो सारा जो बैटर मैंने डाल दिया है छलनी में, और जो भी थोड़ा बहुत इसमें जो गुठलियाँ रह गई हैं वो इससे रिमूव हो जाएंगी। अब देखिए हमारा जो बैटर है बिल्कुल स्मूथ और लम्प फ्री हो गया है, और बहुत ही पतली सी कोटिंग हो रही है। मैंने अंगूठा डाला है तो मेरा अंगूठा दिख रहा है, इतना पतला होना चाहिए। अब एक नॉनस्टिक पैन में ज़रा सा ऑयल डाल के मैंने पोंछ लिया है, और एक लैडल भर के डाला है इसमें। इस तरह से घुमाना है, तो थोड़ा सा मुझे साइड्स में स्प्रेड करने में मुश्किल हुई। मुझे लग रहा है थोड़ा सा और पतला होना चाहिए, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो मैंने कहा ना, इसमें एक कप पानी पूरा चला जाएगा, यानी एक कप मैदे और एक कप कॉर्नफ्लावर में हम 2 कप लिक्विड यूज़ करेंगे। आप चाहें तो पूरा दूध यूज़ कर लीजिए, और चाहे तो 1 कप पानी 1 कप दूध यूज़ कीजिए। इस तरह से हमें फैला फैला कर स्प्रिंग रोल शीट बनानी है। थोड़ा सा शुरू शुरू में स्प्रेडिंग के टाइम में एहसास हो जाएगा आपको कि गाढ़ा अगर है तो पतला कर लेना है, बस एक साइड्स छोड़ेगा और आपको निकाल लेना है, एक तरफ से ही पकाना है इसे। और अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसी बाद आपको पोर कर लेना है एक्स्ट्रा लिक्विड, और इसे फ्लेम को लो से मीडियम रखेंगे हम। जो शीट्स बना के हम रख रहे हैं वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी, उसको बचाने के लिए हम उस पर ऑयल ब्रश कर लेंगे, या फिर उसके ऊपर हम कॉर्नफ्लावर भी डस्ट कर सकते हैं, तो वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं जब हम इसे यूज़ करेंगे। एक बार ये हो जाए तो साइड से हमें उठा लेना है, बस इस तरह से। इस तरह से हमने सारी शीट्स बना ली है। एक कप में 10 से 12 शीट्स बन जाती हैं। अब देखिए कितनी पतली शीट बनी है, मेरा हाथ इससे दिख रहा है। अब इसको मैंने इस तरह से मोड़ा है, इस तरह से फोल्ड किया है, बहुत आसानी से फोल्ड हो रहा है। स्प्रिंग रोल जिस तरह से फोल्ड करते हैं उस तरह से मैं इसे फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको, तो कितना अच्छा फोल्ड हुआ है, एकदम सॉफ्ट सा नरम सा बना है। तो अब आप स्प्रिंग रोल शीट घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको अच्छी लगी हुई रेसिपी तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।